बैक टू माई चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं C++, जो एक फ्री कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ऑनलाइन बेसिक। तो गाइस, क्या करा था हमने लास्ट क्लास में? यार, लास्ट वाली क्लास की तो वीडियो ही, उसमें जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिए सारे खो गए थे, मैंने कैंसिल ऑल कर दिया था, तो खुद लिखा था दोबारा, बट कोई नहीं। तो गाइस, पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा था। ये हमारा वन कंपाइलर है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, इसको करके मैंने आपको बता दिया था। ये एक फ्री कंपाइलर है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। इसमें आप अलग अलग लैंग्वेज चूज कर सकते हो, इसमें गेम्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं। यहाँ से फुल स्क्रीन हो जाएगी आपकी, यहाँ आउटपुट आएगा आपका इस डायरेक्शन पे, यहाँ इनपुट होएगा, यहाँ से आप रन कर सकते हो अपना फंक्शन। और बस ये इंट मेन आपका फंक्शन होता है, मैंने आपको कमेंट्स वगैरह के बारे में बता दिया था। ये आपका हेडर फाइल होता है, ये यूजिंग नेमस्पेस एसटी की डी की जगह आप यहाँ एसटीडी लगाओगे तो भी वो चल जाएगा। और कर्ली ब्रैकेट्स बता देते हैं। तो एक मिनट का इंट्रोडक्शन हो चुका है प्रीवियस क्लास पे। तो गाइस, व्हाट्स न्यू टुडे? तो आज हम आपके साथ पढ़ेंगे वेरिएबल्स। क्या होते हैं ये वेरिएबल्स? डू हैव एनी आइडिया क्या होते हैं ये वेरिएबल्स? क्या होते हैं ये वेरिएबल्स? तो दोस्तों यार, वेरिएबल्स टाइप ऑफ, एक मैं आपको बताऊँ ना, कंटेनर होगा। जैसे यहाँ C++ में, हमारी ये C++ ऐसी लैंग्वेज है, इसमें हमें कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है, कुछ भी चीज़ हमें पुट करनी होती है, तो हम उसको यार एक कंटेनर टाइप में रखते हैं, एक टाइप ऑफ कंटेनर रखते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें पुट होती है। जैसे आप हो, आप आपके घर में हो, तो वो आपका वेरिएबल है एक टाइप से। जो ये वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वो आपको, आप ये घर में हो आप अपने, ऐसा टाइप का वेरिएबल होता है। और अलग अलग टाइप के, जैसे आप ह्यूमन बीइंग हो और आप घर में रहते हो, ऐसे ही एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं जू में, तो उनके लिए वो वेरिएबल है। तो गाइज, ऐसे अलग अलग होता है। जैसे हमारे पास होती हैं, एक होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक वेरिएबल है हमारा, और स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं हम, क्या स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में? स्टोर कर सकते हैं हम वर्ड्स, लाइन्स, नॉर्मल अल्फाबेट्स, अंडर दीज कॉमास, इन दीज मार्क्स, इन दोनों के बीच में, नॉट कॉमास, इन दोनों के बीच में हम कुछ भी वर्ड लिखेंगे या लाइन लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट गाइस स्टे अपडेटेड, बिल्कुल मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा सबके, जब आपको सब समझ आएगा। तो ये, और सेकेंड हमारा होता है इंट। इंट में हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सप्लोर होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। इंट में हम कह सकते हैं, इंट में सारी न्यूमेरिकल्स वैल्यू एक्सप्लोर हो सकती है, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए तो हम, यार ये बार बार मैं शिफ्ट क्यों नहीं दबा रहा, बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो हम उसको इंट में एग्जीक्यूट करेंगे। और इंट में फ्लोटिंग नंबर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो भाई ये फ्लोटिंग नंबर क्या होते हैं? इसमें फ्लोटिंग नंबर नहीं, C++ में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसमें PC में अपने, हम जब इससे अपने PC से, एक टाइप से प्रोग्रामिंग यही तो होता है कि हाउ टू टॉक टू योर कंप्यूटर, हम PC के द्वारा, इन लैंग्वेजेस के द्वारा अपने कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, उनको वर्क दे रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट होए। तो गाइज, इसमें होता है फ्लोटिंग नंबर्स का मतलब डेसिमल्स, डेसिमल नंबर, डेसिमल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो गाइज, इसमें हम मतलब सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सप्लोर कर, एग्जीक्यूट कर सकते हैं डेसिमल में वाली। और भी यार हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं वेरिएबल्स जो होते हैं। कैर होता है, इसमें सिंगल डिजिट ले लो यार आप, या सिंगल वेरिएबल हम पुट कर सकते हैं इसमें, एक टाइप से यार ये सिंगल ही होता है। और इसके बीच में हम इन दोनों के बीच में इसको पुट करते हैं, सिंगल कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, यार आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बी विद मी, अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और आप सोचोगे इतनी इजी चीज़ है, हम क्या बताते हैं इतनी इजी चीज़। यार नेक्स्ट आता है डबल, ये डबल भी एक फ्लोटिंग नंबर है, फ्लोट के टाइप से होता है, जस्ट अ टाइप ऑफ लॉन्ग फ्लोटिंग नंबर है ये, समझ जाओगे इसको भी। तो गाइज, मैंने आपको बता दिए थे, और ये तो सारा हो गया है, तो हम थोड़ा एग्जांपल्स पे आते हैं अब। और ये सब गाइज देखो, ये डबल उसमें आ जाते हैं, आपको पता होगा सिंगल लाइन कमेंट होता है, और ये वाला हमारा डबल मल्टी लाइन कमेंट होता है। इसको यहाँ से कर हम अगर मल्टी लाइन कमेंट बनाना चाहे तो ये ऐसे बनेगा,
ये ऐसे, तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड। तो गाइस इसको मिटाते हैं और हम आते हैं अपने प्रॉपर प्रोग्राम पे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्टली हम इंट लेते हैं, मैं एक दो का एग्जांपल दूंगा और आप ना हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे ना तो समझ जाओगे, हम थोड़ा इसी में क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको समझाने के बाद। लाइक दैट लेते हैं हम इंट, इंट ए इज इक्वल्स टू गेस एनी नंबर 45, सेमी कॉलन इज मस्ट, सी आउट जो मैंने आपको बता दिया था अपनी लास्ट क्लास में जो ज़रूरी होता है एग्जीक्यूशन के लिए, हम यहाँ डालेंगे ए, सेमी कॉलन इज मस्ट, और हम इसको कर देंगे प्रोग्राम को रन। एनी गैसेस क्या आएगा, आएगा 45। गाइस अभी तक कुछ समझ तो आया नहीं होगा शायद आपको, तो अब मैं बताता हूँ। इंट एक वेरिएबल है जहाँ हमने अपना नंबर 45 स्टोर करा है ए के नाम से। देखो ये इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि ए के नाम से हमने 45 कैसे एग्जीक्यूट करा है, अब वो कैसे सेव करा है, आपको ये समझ नहीं आएगा ए के नाम से। तो गाइस देखो, अगर बाई चांस चलो ठीक है मैंने नहीं लगाया ये ए, ठीक है यहाँ नहीं लगाया ए, और मे बी मेरे को एक और नंबर एग्जीक्यूट करना है जो कि है 70, ठीक है। अब मैं यहाँ कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ मैं इंट लिखूँगा तो ये तो एरर थ्रो करेगा मुझे, इंट बन जा रन अगर मैंने करा कंट्रोल प्लस एंटर दबा कर, ये तो एरर थ्रो कर रहा है, भाई तुमने यहाँ कैसे बार बार एंड लिख दिया। अब ये भी तो कंफ्यूज होगा, अब ये इसकी वैल्यू दे या फिर इसकी वैल्यू दे। तो गाइस उसी चीज़ के लिए हम यहाँ लिखते हैं कोई भी, नॉट दैट ए कोई भी, हम यहाँ यू लिख सकते हैं। अगर हम मैं फिर इसमें यू को एग्जीक्यूट करूँगा और इसको कमेंट में डाल दूँगा मैं तो, और हम यहाँ कंट्रोल पर सेंटर दबा कर एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो आएगा 45 नंबर। ऐसे ही हम अगर यहाँ इसको 70 कुछ भी कर दो, कोई भी नंबर कर दो, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, बस जस्ट यहाँ हम जैसे है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं लगा सकते, इन स्ट्रिंग मेन वो ये सब फंक्शन टाइप या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं लगा सकते, बट ऐसे अपना नाम लिख सकता हूँ मैं यहाँ आरव, और ये तो नहीं होगा सॉरी मैंने यू नहीं करा उससे पहले एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ आरव लिख दिया मैंने, AARAV एग्जीक्यूट करूँगा मैं तो ऐसे 15 आ जाएगा। तो गाइस ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यहाँ लगा दो एंडल, तो एंडल का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। और नेक्स्ट लेते हैं हम वेरिएबल, वो है हमारा कैर, कैर में इसके बाद हमें लिखना है, मैं चलो यहाँ डाल देता हूँ सिंगल। सिंगल यार एक ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल, मैंने आपको इतनी बार बोल दी तो कैर एक सिंगल के होता है, सिंगल कैरेक्टर होता है कैर एक मोस्टली। और गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगा, यहाँ गैप वाली चीज़ नहीं आएगी। अगर मैंने लिख दिया यू आर लिख दिया मैंने, और यहाँ अगर मैं कैर में मैंने बोलता आपको ए, ऐसे कोई भी डिजिट कोई भी कैरेक्टर हमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसमें, तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होते। अगर मैं यहाँ डालूँ UR तो गाइज ये मेरे को एरर थ्रो करेगा, ये देखो ये यहाँ बोल रहा है कि UR आपने स्पेस क्यों लगाया है इसमें। अगर मैं इस पे से स्पेस हटाऊँ और इस पे से भी स्पेस हटाऊँ तो गेस करो क्या आएगा, गाइज आया यहाँ ए, ये देखो ऐसे ही। और द मेन थिंग और द इम्पोर्टेंस ऑफ एंडल इज, शायद अब आपको समझ आ जाए, देखो मैंने एंडल हटा दिया है, कंट्रोल प्लस एंटर करके मैं दबाता हूँ तो ये देखो आ चुका है ना, ये भाई वीडियो चल रही है ना, चल रही है भाई, ये अब आ चुका है 15A विद नो गैप्स, देख रहे हो ना कोई भी गैप नहीं है ऐसे, और ये हमें चीज़ नहीं चाहिए। तो हम यहाँ इंसर्शन कॉमास लगा के एंडल डालते हैं, एंडल इसे यार एक टाइप से वो होता है, अब याद करो इसको मतलब समझो कि एंडल वो होता है कि इससे नेक्स्ट लाइन पे हम एक्सप्लोर होते हैं बस, है ना, जस्ट ये चीज़ होती है। और सारे आपको गाइस वेरिएबल सब ईजी है, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग बूल स्ट्रिंग ये फ्लोट इंट वगैरह ये सब ईजी है। मैं आपको फ्लोट का भी एग्जाम्पल देता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट फ्लोट इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, आउटपुट, चलो आउटपुट डालते हैं, आउटपुट इज इक्वल्स टू कोई भी, कितने मार्क्स आए थे एक टॉपर के भाई, इतने ही आते टॉपर के तो। और यहाँ लगा दो सेमी कॉलन, सी आउट इंसर्शन कॉमास, क्या लिखूँ मैं यहाँ गाइस बताओ जल्दी कमेंट में लिखकर क्या लिखूँ मैं। चलो मैंने सोच सोच लिया, आपने कमेंट में लिख दिया होगा तो यहाँ आप बिल्कुल सही हो, मैं लिखूँगा आउटपुट, आउटपुट और सेमी कॉलन मस्ट, कंट्रोल प्लस एंटर करके मैंने दबाया तो यहाँ आएगा ए 99। और गाइस मैंने यहाँ ये नहीं लगाया है एंडल, एंडल लगाओ यहाँ, और यहाँ एक डाल दो
मे बी मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 99। तो गाइज ये इसका राउंड ऑफ कर वैल्यू आ चुकी है 99। तो यार ऐसे ही होता है, ये फ्लोट को हम ये इस पर एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं, और ये इंट को हम इस पर, इतने बड़े नंबर की यार ज़रूरत तो नहीं थी, जैसे हम ऐसे लिख सकते थे 1.2, तो ये आ गया 1.2। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि डबल जब हम करते हैं तो ज़्यादा बड़े नंबर को, अगर फ्लोटिंग पॉइंट ज़्यादा बड़ा होता है तो उसमें वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो राउंड ऑफ करके दिखा दिया आपको। तो गाइज ऐसे कर फ्लोटिंग का आता है। तो चलो लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स। मैं आपको इसमें सम और सम मल्टीप्लाई इस वीडियो में बताऊँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में, ये तो यार वीडियो वेरिएबल्स के टाइप पे हो चुके हैं ना, वेरिएबल्स के टाइप पे शायद इनफ हो गया आपके लिए, या फिर आप ये सब चीज़ें तो समझ गए होंगे, तो लेट्स इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं वीडियो में। तो गाइस क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे इंट ए इज इक्वल्स टू 2, इंट बी इज इक्वल्स टू 4। नो गैसेस, नो सरप्राइजेस कि अगर हम यहाँ मैं बी दबाकर सेमी कॉलन लगाऊंगा और कंट्रोल प्लस एंटर करूंगा तो मेरे पे 4 मिलेगा, और मेरे को यहाँ एंडल लगाना चाहिए था, एंडल इज मस्ट। आदत पड़ जाएगी यार आपको नेक्स्ट लाइन में मूव करवाने की, मैं तो वो कर रहा हूँ, ये क्या कर दिया भाई मैंने, फ्लोट में एंडल नहीं लगता, ये नहीं ओवर फंक्शंस है, इसको वो कर दो आप, कमेंट कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसी चीज़ की। तो गाइज मैं यहाँ ये करता हूँ रन, तो नो सरप्राइजेज हमें यहाँ 4 मिलेगा, और मे बी मैं यहाँ रन करता हूँ 2, तो नो सरप्राइज, ओ सॉरी मैं यहाँ रन करता हूँ ए, 2 भी कर सकते हैं, देखो ये भी नई चीज़ हो गई, 2 करा तो ये आ गया, और ए करता हूँ तो ये मिलेगा। अगर बाय चांस मैं यहाँ करता हूँ ए प्लस बी, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 6। दैट्स द सिंपल रूल ऑफ दिस। और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सम इज इक्वल्स टू क्या लिखूँ, ए प्लस क्या लिखूँ बताओ, और क्या रह गया मेरा इसमें, ये वाला कॉमास। और गाइस मैंने ये कर दिया है, यहाँ आ जाएगा सम, क्योंकि यार ये चीज़ होती है एग्जीक्यूट, ये चीज़ होती है ना, ये तो हमने इसमें बनाने के लिए छोड़ दिया कि ए इसको रिप्रेजेंट करता है, बी इसको रिप्रेजेंट करता है ना, इस नंबर को। और यहाँ अगर मैं सम लिखूँगा और यहाँ मुझे मिलेगा एरर, क्योंकि मैंने यहाँ सम को ये नहीं बनाया है इंट, ओ सॉरी मैंने यहाँ सम को ये नहीं बोला है कि ये जो इंट है ये सम, तो ये आ जाएगा यहाँ 6। ठीक है, नो सरप्राइजेस गाइस। तो यही होता है, ऐसी सेम आपको अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा और करूँगा तो कितना आएगा, -2। तो ऐसी गाइज होता है इनमें चीज़ में, लाइक दैट मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे सम है ठीक है, अगर अब मैं इसको सी आउट के आगे डबल कॉम ये डालकर लिखूँ द सम ऑफ ए एंड बी इज, और यहाँ 2 इंसर्शन कॉमास डाल के, इंसर्शन ऑपरेटर डालकर यहाँ मैं लिखूँगा एस यू एम स्मॉल में एस यू एम सम सेमी कॉलन मस, और मैं अगर ये दबाऊँगा तो यहाँ लिखा रहेगा द सम ऑफ ए एंड बी इज -2। तो गाइज द सम नहीं द डिफरेंस यार, इसको प्लस कर दो, नो प्रॉब्लम 6 आ जाएगा। तो गाइज ये होता है कि ये जो मैंने यहाँ डबल इसमें डाला ना, तो ये तो एग्जीक्यूट होना ही होना है, ये मस्ट होता है, और इसके बाद हम कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं। तो लाइक दैट अगर मैं ये करता हूँ सी आउट, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लो यार ना, बार बार कैसे लिखेंगे। मैं आपको डिवाइड भी बता दूंगा, और थोड़ा ना न्यूमेरिकल्स वैल्यू बड़ी ले लेते हैं जिससे आप समझ जाओ, लाइक दैट 10 और 5। ठीक है, द सम ऑफ ए एंड बी इज द, समझ जाओगे ना यार, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज, एंड द मल्टीप्लिकेशन वाइज बी विद में कुछ भी नहीं होगा, बहुत ईजी समझा रहा हूँ मैं, डिवीजन। तो या तो आप इसको सबको अलग अलग बना लो, सम डिफरेंस एंड ऑल, वरना इससे ईजी तरीका है मेरे पास, इसको थोड़ा सा ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी ना जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, हाँ भाई हो जाती है, चलो अच्छी बात है, कुछ तो सही हुआ। इसमें सम हटा कर यहाँ हम डायरेक्ट कर देंगे ए प्लस बी,
ये एक टाइप से यार ऑपरेटर्स का भी हो गया, जो ये थोड़े बहुत ऑपरेटर्स होते हैं। ए माइनस बी मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार यूज़ करते हैं गाइस, ये ध्यान रखना। और ए छोटा भी आएगा भैया, और यहाँ वाला आएगा डिवीजन है ना, तो ए कहाँ गया हमारा डिवाइड वाला साइन, ए बी और एक्सक्यूट। तो गाइस हमने किसी में भी एंटर नहीं लगाया था, तो देखो कैसी गलतियाँ होती हैं मेरे से, कितना नालायक हो गया हूँ यार, सिखाते नहीं हो। एंडल यहाँ भी एंडल दो लगा कर, एंडल यार ये बहुत होता है ना, लगाओ ये लगाओ, हमें तो कोट से मतलब है। एंडल एंडल गाइस ये प्लेलिस्ट पूरी चलेगी मेरी, और कहीं भी देखो मैंने अब सेमी कॉलन नहीं लगाया। मैं तो यार 2x पे देखता था जब पढ़ता था, और कोई नहीं देख लेना आपको जैसे जितनी वाली स्पीड पे समझ आए। तो देखो भाई आ गया है, आप कुछ मिलाकर देख सकते हैं, द सम इज़ 10 और 5 का 15 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 50 हो जाएगा, और डिवीजन हो जाएगा 0, क्योंकि a से हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 से। अगर मैं यहाँ फ्लोट करूँगा तो आएगा यार, ये थोड़ा सा बेटर चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँगा, इसको भी आगे चलते रहेंगे जब न्यू क्वेश्चंस करेंगे, न्यू चीज़ें करेंगे। तो आफ्टर दैट मैं आपको कुछ चीज़ दे देता हूँ, आप उसका कमेंट में आंसर डालना। इंट 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 एक्स इज इक्वल गाइज, ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हो भाई, होमवर्क मिल रहा है आपको, जो पहला कमेंट करेगा उसको रिप्लाई मिलेगा। कमेंट आज नहीं है और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 20 इंट वाई इज इक्वल्स टू 20 इंट वाई इज इक्वल्स टू 10। तो गाइज ये सेम चीज़ें आपको करके कोड लिखकर इसकी दिखानी है, ठीक है। मेरे को ये सारा ये पूरा ऐसे लिखकर बस बिल्कुल आपको टीपना है इसका, और कुछ नहीं करना। और जब आप खुद इसको रन करोगे आपको मतलब खुशी मिलेगी कि हाँ हो गया। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में कर देना, मैं चेक कर लूँगा। बहुत इजी है ये, बेसिक पर्पज़ से यहाँ से सारा रन हो जाएगा और यहाँ से लैंग्वेज चेंज। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मेरे साथ बने रहे और इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना। मैं ये वाली वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, और ये सारा कोड मैं देखो मैंने कॉपी कर लिया है, याद से कॉपी कर लो भाई, है ना, वरना पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख लिया है, तो अगली वीडियो पे थोड़े से और क्वेश्चंस और न्यू टॉपिक आएगा आपके पास। गाइज बी विद मी एंड गुड बाय।